वसूली कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। नकली दवाओं बनाने वालों से चंदा वसूल करके देशवासियों की हत्या करवा रही है, और देशवासियों की हत्या कराने की पोल खोल होती हो तो बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक से जान चली जाती हो, यह कभी संभव नहीं सकता। जब यह सिद्ध हो चुका है कि यह अवैध है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड, तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से जो वसूली हुई है वो सारी जब्त होनी चाहिए। पीएम केयर्स कोई प्रधानमंत्री राहत कोष नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का अपना एक जेबी संगठन है, पैसा इकट्ठा करने का एक संस्थान है। पेटीएम के माध्यम से पीएम केयर्स में 500 करोड़ रुपए लिया गया है। तो जांच ये भी होनी चाहिए कि दुश्मन देश की किन कंपनियों से कितना कितना वसूली की गई है। और मेरे साथ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भूपेंद्र रावत हैं और सरकार के कटु आलोचक हैं। कुछ गंभीर आरोप हैं इनके, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला हो और जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने रही, वैसे सरकार ने जांच तो बैठा दी है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भूपेंद्र रावत के का कहना है कि एक बड़ा स्कैम है। ये तो एक कानून आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो उससे तो सबको चंदा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। नहीं, चंदा मिलना अलग है। जिस तरीके से आप बात करो, मैं अब नेशनल दस्तक के दर्शकों से, जो आपके करोड़ दर्शक हैं, उनको बताना चाहता हूँ, चंदा पहले भी मिलता था, चंदा मिलना एक अलग बात है। 41 कंपनियों पर देखिए, पूरी जो पोल खोले, 41 कंपनियों पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जब रेड होती है तो 2600 करोड़ से ज्यादा की, 2400 करोड़ ज्यादा की वसूली होती है। वो फिगर आपको बताता हूँ, 2471 करोड़ रुपए की। और बड़ी रोचक बात है कि 1698 करोड़ रुपए अकेले भाजपा को जाते हैं। ये बात हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से चंदा जाता है आपके पास, करीब करीब 1700 करोड़ रुपए आप वसूली करते हैं सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स छापे डलवाकर। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से। मई 2014 से अब तक जितने छापे पड़े हैं ईडी के, सीबीआई के और इनकम टैक्स के, शंभू जी मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को उन सारे छापे की डिटेल्स और वो फाइल जब्त करनी चाहिए। और देश में मैं ये मानता हूं 10,000 से भी ज्यादा छापेमारी हुई है, जब 41 कंपनियों से 2400 से ज्यादा, 2400 करोड़ से ज्यादा की वसूली हो सकती है, और उसमें 1700 करोड़ के लगभग 2 करोड़ कम अकेले भाजपा की हुई। तो 10,000 से ज्यादा कंपनियों पर जो छापे पड़े हैं ईडी सीबीआई कर इनकम टैक्स से, उनसे कितनी वसूली हुएगी, एक बात। दूसरा मामला है कि यह असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। दूसरा काम क्या होना चाहिए, जब यह सिद्ध हो चुका है कि यह अवैध है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड, तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से जो वसूली हुई है वो सारी जब्त होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह इसलिए भी मैं तो हैरान हूं, हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से इलेक्ट्रोनल बॉन्ड लाने का काम करती है भाजपा सरकार, और खाते सीज होते हैं कांग्रेस के। ये बड़ा रोचक है, मतलब देखना रोचक है और बहुत विचित्र भी लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, एक तो ये इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से, ये दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड जिस बनाने के बाद जिसने तैयार करवाया बैंक में जाकर, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर कैश नहीं हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो 16वें दिन वह इलेक्ट्रोनल बॉन्ड स्वाभाविक तौर पर पीएम केयर्स में चला जाएगा। और पीएम केयर्स कोई प्रधानमंत्री राहत कोष नहीं है, यह नरेंद्र मोदी का अपना एक जेबी संगठन है। जेबी संगठन क्या, पैसा इकट्ठा करने का एक संस्थान है। अब मैं ये बात से भी कह रहा हूं आपके दर्शकों को कि यह सब 2020 में जब बना था, मुझे आज 24 तारीख को ताली बजा करके देश को ताले में बंद कर दिया गया, और 28 मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश में पीएम केयर्स का गठन किया गया था। और इस मामले की जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो पीएमओ के सचिव ने लिख करके दिया कि पीएम केयर्स देश सरकारी नहीं है, इसके कोई आरटीआई नहीं लग सकती, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अरे रावत जी, तो अगर इतनी गड़बड़ियां हैं, इतनी गड़बड़ियां हैं, तो इनकम टैक्स ईडी स्वतंत्र जांच करेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा, संवैधानिक बेंच का यह दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड असंवैधानिक है, उसके साथ में पीएम केयर्स के फंड को भी कलेक्ट कर दिया गया है, इसलिए पीएम केयर्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और पीएम केयर्स की जांच पड़ताल क्या क्या होनी चाहिए, पीएम केयर्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, मैं आज आ रहा था, मैं मेरा
क्या कहते हैं मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा रहा था, तो वहां पर एक सज्जन ने पूछा, तो वहां पर अंदर काउंटर में बैठे व्यक्ति ने कहा कि पेटीएम से चार्ज नहीं होता है। तो पेटीएम का आप समझिए, जिस दिन हमारे देश में एक अलीबाबा कंपनी है दुनिया में, चीन की कंपनी, शंभू जी बहुत रोचक बात बता रहा हूं, और उसका पेटीएम में 43% हिस्सेदारी जब आती है, तो हमारे देश का मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर प्रचारक बन जाते हैं। और जब फरवरी 2024 में अलीबाबा चीनी कंपनी अपने सारे शेयर उठा लेती है पेटीएम से या बेच देती है, स्लीपर्स को दे देती है, तो हमारे देश में मोदी सरकार पेटीएम को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। ये सोचने की बात है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं पेटीएम के माध्यम से पीएम केयर्स में 500 करोड़ रुपए लिया गया है। तो जांच यह भी होनी चाहिए कि दुश्मन देश की किन कंपनियों से कितना कितना वसूली की गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के अंदर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बेचा जाता है वेदांता को, 400 करोड़ रुपए लिया जाता है। भारत की कंपनी को आप बेचेंगे, 400 करोड़ रुपए की वसूली आप लेंगे। आपने मेगा इंजीनियर्स को, मेगा इंजीनियरिंग से 600 करोड़ रुपए का वो लिया क्या चंदा भाजपा ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बदले में क्या हुआ, जो मेगा इंजीनियरिंग का था कालेश्वर परियोजना, वो करीब 1,00,000 करोड़ की परियोजना थी, उस पर 1,50,000 करोड़ कर दिया, 45,000 करोड़ रुपए की उसमें इजाफा कर दिया गया। और जब उसके भ्रष्टाचार की पोल खोल करने के लिए राहुल गांधी 2 नवंबर को वहां जाने वाले थे, तो तत्काल हमारे देश के राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेजा जाता है पेश होने के लिए, ताकि खबर से खबर को दबाया जा सके। 600 करोड़ रुपए का चंदा लिया था मेगा इंजीनियरिंग से कालेश्वर परियोजना में 45,000 करोड़ रुपए बढ़ाने के लिए। और वहां पर आपको बताता हूं मेडी गड्ढा बैराज में जो वहां पूरा तो नुकसान हुआ है, वो सब का भी मुआयना वो करने वाले थे। तो मैं ये दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि 2 साल के लगभग शराब घोटाले को हो गए, 2 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने बेडरूम में वो सबूत रखे हुए थे कि ईडी वाले 2 साल बाद आएंगे, मैं सारे सबूत दूंगा, क्या यह संभव हो सकता है अगर वो शराब घोटाले में शामिल थे। लेकिन हुआ क्या है, जिस दिन कालेश्वर परियोजना में राहुल जाता हो उसका पोल खोल करने के लिए तो नोटिस जारी हो जाता है, जिस दिन भारत जोड़ो या न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हो उस दिन के लिए नोटिस जारी हो जाता है, जिस दिन आसाम में प्रवेश करती हो उस दिन के लिए नोटिस जारी हो जाता है, जिस दिन झारखंड में प्रवेश करती हो यात्रा उस दिन के लिए नोटिस जारी हो जाता है, जिस दिन दोबारा से क्या कहते हैं आपका ये उत्तर प्रदेश में यात्रा जानी हो फिर हो जाते हैं, कैलिफोर्निया और विदेश में यूनिवर्सिटी, लंदन में यूनिवर्सिटी में 2 जगह लेक्चर थे राहुल गांधी के, उस दिन के लिए नोटिस जारी हो जाता है, जिस दिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि 18 मार्च को न्यूमेरिकल नंबर यहां ला करके पेश किए जाए, तो संडे को 17 तारीख को नोटिस जारी हो जाता है। और 18 तारीख की सुनवाई पे शंभू जी मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, 3 दिन का वक्त दिया गया, 3 दिन का मतलब 21 तारीख को किसी भी कीमत पर न्यूमेरिकल नंबर आ जाने चाहिए इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के, हर वो नंबर आने थे 21 तारीख को, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। अरविंद केजरीवाल इस शराब वाले मसले पर वो तो कह रहे फैक्ट कि भाई मेरा कहीं नाम नहीं था, हम भी मानते हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की राहुल गांधी ने कश्मीर तक की, उस यात्रा में शुरुआती दौर में संघ परिवार को और रंगा बिल्ला को लग रहा था कि यह लड़का नाजों से पला है, यह पैदल इतना चल नहीं पाएगा, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी आगे चलते गए, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं राहुल गांधी का जो फिजा बनती गई इसको कमजोर करने के लिए और समय खबर से खबर को दबाने के लिए इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से क्या काम किया, अरविंद केजरीवाल को नोटिस पर नोटिस जारी करने का सिलसिला किया है। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, जिस दिन पुलवामा के मसले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक, मैं अप्रैल 2023 का जिक्र कर रहा हूं, करण थापर के साथ चर्चा करने वाले थे, पुलवामा को लेकर पोल खोल करने वाले थे, ईमानदारी की बात है जिसको बहुत बड़ी सुरक्षा दी गई थी, उस अति को ऐसे घुमाया जा रहा था, टहलाया जा रहा था,
अतीक अहमद की हत्या करा दी गई। हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रोनल बॉन्ड जैसे न्यूमेरिकल नंबर का खुलासा हुआ, आप हैरान हो जाएंगे शंभू जी, हमारे देश के अंदर दवा बनाने वाली जिन कंपनियों के लेबोरेटरी में सैंपल फेल हो गए उनसे 700-800 करोड़ रुपए भाजपा ने इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है। मतलब हमारे देश के डॉक्टर हॉस्पिटल में दवा लिख रहे मरीज को और मरीज दवा खा करके इसलिए मर रहे कि दवाएं नकली है। तो देश में नकली दवा बनाने वाली कंपनियों से वसूली करे नरेंद्र मोदी की सरकार। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जैसे 26 मार्च को यह बात उजागर हुई बांदा की जेल में बंद और मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल में करा दिया गया और यह दावे के साथ में बात दमदार है, यह कैसे संजोग और प्रयोग हो सकता है कि पुलवामा की पोल खोल होनी हो तो करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक की, तो अतीक अहमद की हत्या कराई जाए। यह कैसे संभव हो सकता है कि हमारे देश में मोदी सरकार नकली दवाओं बनाने वालों से चंदा वसूल करके देशवासियों की हत्या करवा रही है और देशवासियों की हत्या कराने की पोल खोल होती हो तो बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक से जान चली जाती हो? यह कभी संभव नहीं सकता। यह कैसे संभव हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा यह कौन तय करता है? जरा सोचिएगा कि ईडी वाले 17 मार्च रविवार के दिन के लिए नोटिस देते हैं और केजरीवाल कि तुमको पेश होना है, तो कल्पना कीजिए कि संडे को भी बुलाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में खबर से खबर को दबाने के लिए, खबर को दबाने के लिए अतीक अहमद की हत्या करा दी गई, खबर को खबर से दबाने के लिए मुख्तार अंसारी को मरवाया गया, खबर से खबर को दबाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोनल बॉन्ड घोटाले को लेकर उसको अरविंद को नोटिस दिया गया और इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के न्यूमेरिकल नंबर आने पर पोल खोल होनी थी कि कैसे सरकारी संस्थान को बेच के भाजपा पैसा ले रही है, कैसे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड करवा करके वसूली कर रही है और कैसे हमारे देश के ठेके सरकारी दे करके वसूली कर रही है और कैसे नकली दवा बनाने वालों से वसूली कर रही है। ये सारी जो पोल खोल होनी थी, इस पूरे मसले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि आम आदमी पार्टी के नेता को जेल में सवाल अब सवाल लेंगे आप। तो आप मान लीजिए अगर आपके आरोपों में दम है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अदालत में बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी हमारे देश में पांच जजों में से सुनवाई की गई थी नोटबंदी पर और मैं सैल्यूट करता हूं, एक जज ने कहा यह देश में बड़ा घोटाला है, हमारे देश में कहा गया था कि काला धन वापस आएगा। मेरा सवाल था सर, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं, मुझे सुनो, में जवाब दीजिए, वो जज क्या कर रहे नहीं कर रहे उसको हम हमारा अधिकार नहीं, जज पट्टी काट नहीं। अगर आपको इतनी पुख्ता जानकारी तो कोर्ट चले जाइए या फिर आप सुन तो लीजिए या इनकम टैक्स ईडी सीबीआई को आप एप्लीकेशन दीजिए। आप तो इस देश के सब नागरिकों को अधिकार है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर हमारी देखिए मैं आपको बताता हूं, मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया जा रहा है, मुख्तार अंसारी ने यह बात पब्लिकली कही है। अतीक अहमद की हत्या हुई सब जानते हैं, जांच पर देखिए, जब सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का, हम अगर अदालत चले भी जाएंगे अदालतों में हम मानते हैं कि जजों का कुछ रवैया अच्छा भी है लेकिन वो हमारी बात को इस तरीके से सुनी जाएगी ये संभावना बहुत कम रहे। दूसरा जो आपने कहा सीबीआई के पास जाइए, अगर हम चले भी जाएंगे, अब एक बात बताइए, मैं आप इसीलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है थोड़ा सा जो आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक बेंच इलेक्ट्रोनल बॉन्ड की बात को सिद्ध कर रही है और सुनवाई कर रही है, तो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के साथ साथ में जब यह बात खुलासा हो चुका है सर, मैं सवाल वो आप बता चुके हैं भाई जी, उसको मैं पूछ रहा हूं कि आप एक बार कोशिश तो कीजिए एप्लीकेशन तो। चलिए आपके माध्यम से, चलिए हम कह रहे हैं कि ठीक है शंभू जी, हम वादा करते हैं हम एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में होना क्या चाहिए, जब यह सिद्ध हो चुका है कि नकली दवा बनाने वालों से ईडी सीबीआई की रेड से यह सब जब्ती वसूली हुई है, तो संवैधानिक बेंच को चाहिए कि भाजपा के बैंक खातों को सीज किया जाए। संवैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अगर इस तरह के? मैं तो हैरान हूं, मैं तो हैरान हो रहा हूं, अगर मैं जज की कुर्सी पर बैठा होता शंभू जी, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैंने पीएम केस का और ये जो वसूली हुई है, जब देखो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच तय कर चुकी है कि असंवैधानिक इलेक्ट्रोनल बॉन्ड है, तो जब असंवैधानिक इलेक्ट्रोनल बॉन्ड है तो उससे वसूली संवैधानिक कैसे हो सकती है? इसी तरीके से अगर ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापेमारी से 1700 करोड़ रुपए की वसूली भाजपा ने की है तो फिर वो जब्त क्यों नहीं होना चाहिए? जांच के लिए मेरे सवाल थे, लेकिन डेमोक्रेसी में पब्लिक फोरम पर बात रखना भी जनता का अधिकार है,
तो उसी अधिकार के तहत जो ये हैं भूपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र रावत हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है और इस देश के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारे डिस्कोर्स जो हैं वो हो रहे हैं। क्या आप लोग को सही में लगता है कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दबाव में हैं, या वो प्रेशर में हैं, या वो काम नहीं कर रही है? ये सबसे बड़ा एक आरोप है। आपकी प्रतिक्रिया क्या? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और एक मैं ये भी अपील करता हूं आपके दर्शकों से कि निश्चित तौर पर यदि आप सब सहमत हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो निश्चित तौर पर उससे वसूली गई रकम भाजपा ने और जो दवा का कारोबारियों से नकली दवा वालों से वसूली की है और जो सरकारी कंपनी और संस्थानों को बेच के वसूली की है, तो भाजपा के बैंक खातों को सीज किया जाना चाहिए। आपको यह राय अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यह मैं अपील करता हूँ। तो ये डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है, तो ये बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आप रावत जी की बातों से सहमत है, असहमत है? आपकी राय भी बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।